तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं भाई के ओला S1 प्रो। अगर आपके पास है तो रेंज वेंज कम मिल रही है तो ये वाले वीडियो आपके लिए जरूर है। पूरा वीडियो देख के जाइए। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप इसकी रेंज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे होगी इसकी रेंज, हमें जो मिल रही है हमने इससे इंक्रीज कैसे करी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात कुछ ऐसी कि मेरे को ओला लिए हुए अभी हो गए करीब 4 महीने, और 4 महीने में मैंने 2500 किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बार मुझे ऐसा फेस हुआ है कि मेरे को रेंज बहुत कम मिली है। तो मैं भी बहुत परेशान था पहले कि यार ओला S1 प्रो लिया है, प्रो मॉडल लिया है, फिर भी रेंज कम क्यों मिल रही है मुझे। तो मैं आपको उसके कुछ रीजंस बता देना चाहता हूँ आज, और इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसकी रेंज हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आपका हो जाता है कि गाड़ी हमारी जो है वो फुल चार्ज हो भी पा रही है नहीं। मतलब गाड़ी दिखाता तो इसमें 100% चार्ज है, पर वो 100% चार्ज नहीं होती है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि यार जो बैटरी है हमारी वो फुल चार्ज दिखाता है सिस्टम पर, वो बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है। अगर आपको उसको फुल चार्ज करना तो उसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन करने के बाद ही आपकी गाड़ी फुल चार्ज होती है। तो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, आप भी मुझसे पूछोगे। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि जब हम ओला चार्ज लगाते हैं, आपको पता है अगर 100% यह दिखा रहा है, पर चार्जर में अभी भी लाल लाइट चालू है। उसमें दो तरह की लाइट थे, एक लाल और हरी। तो लाल लाइट चालू है, आप देखना उसको तो गौर से, तो लाल लाइट चालू है जब तक आपकी गाड़ी चार्ज तो दिखाएगा वो, पर लाल लाइट चालू मतलब अभी वो चार्ज हो रही है। जब तक आपकी गाड़ी की लाइट ग्रीन नहीं हो जाती, जब तक आप उसको चार्ज कीजिए। और दोस्तों, कैलिब्रेशन हम ऐसे करेंगे कि हमारी गाड़ी जब फुल चार्ज हो गई, 100% दिखा रही, फिर भी आपको 4 से 5 घंटे उसको चार्ज पे लगे देने देना है, लगे रहने देना बिल्कुल 4 से 5 घंटे चार्ज पे। और ये आपको दोस्तों रोज नहीं करना है, ये आपको महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार करना है। इससे बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब आपको रोज तो आप पूरा फुल चार्ज करोगे नहीं हर बैटरी को। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके लिए 5 से 6 घंटे आपकी गाड़ी को चार्ज करना है एक्स्ट्रा 15 दिन में, और महीने भर में आप कर सकते हो ऐसा। मैंने अभी रिसेंटली, मेरी गाड़ी है ना रेंज बहुत कम दे रही थी, देखो अब मैं सिंगल भी चलाता था 40 के स्पीड में, इको मोड में भी 100 की रेंज हो गई थी मेरी। फिर मैंने यही वाली ट्रिक यूज करी, इसी ट्रिक से मेरी गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है और मेरे को अच्छी रेंज मिल रही है इस गाड़ी में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें 4 तरह के मोड दे रखे, आपको पता है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तो पता ही होगा। तो इसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर। तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर ये 4 मोड है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हाइपर मोड में भी डाल के चलाओगे और उसको 40 पे चला रहे हो तो 120 130 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी आपको। बात ऐसी है इसमें कि रेंज डिपेंड करती है टोटली स्पीड पे, स्पीड और वेट पे। अब अगर मेरी गाड़ी की स्पीड स्लो है तो मैं कोई से मोड में चलाऊँ मुझे अच्छी रेंज मिलने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इको मोड में इसकी जो रेंज निकल के आती, कंपनी 170 क्लेम करता है, पर मुझे मिली 150। टेस्ट डला हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ हाइपर मोड में कंपनी रेंज क्लेम करती है 90 किलोमीटर समथिंग, कम चलती है वैसे, 80 किलोमीटर चल जाएगी हाइपर मोड में। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो हाइपर मोड में कंटिन्यूसली इस गाड़ी को मत चलाइए, क्योंकि कुछ कुछ इश्यू देखने को मिल जाएंगे हमें उसमें कंटिन्यूसली अगर हम चलाएंगे इसको तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका नॉर्मल मोड है इसमें इसकी स्पीड है जाती है 80 तक। पर मैं आपको बता देता हूँ कि अब कुछ कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि यार भाई नॉर्मल मोड है 80 तक जाती है तो 80 की स्पीड पे चलाऊंगा मैं तो भी मुझे कंपनी बोलती है 135 किलोमीटर मिल जाएगी। गलत है दोस्तों। अगर आप इसको एक स्पीड मेंटेन करके चलाएंगे 40 से 50 के 60 के बीच में तो ही आपको इतनी रेंज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल मोड में 80 की स्पीड पे चला रहे हो तो सोचेंगे कि यार भाई रेंज ज्यादा मिल जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसको इको मोड में चला रहे हैं और 40 की स्पीड पे चला रहे हैं तो आपको रेंज बिल्कुल अच्छी मिलने वाली है। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है हमें, जैसे मेरी गाड़ी में भी शुरू में मेरे को ऐसा देखने को मिला था कि जब नॉर्मल मोड में मैं चलाता था तो रेंज ज्यादा मिल जाती थी इको मोड से। ऐसा क्यों? अब इसका एक रीजन था कि यार जब मैं इको मोड में चलाता था तो गाड़ी की फुल रेस पे चलाता था, फुल रेस खींच देता था मैं, और वो चलती 40 पे ही थी। पर नॉर्मल मोड में क्या हुआ, मैंने क्रूज कंट्रोल डाल दिया। अब इको मोड में क्रूज कंट्रोल नहीं डलता, नॉर्मल मोड में क्रूज कंट्रोल डलता है, तो क्रूज कंट्रोल में ज्यादा एफिशिएंसी निकल के आई ओला की। तो ओला को अगर आप चला रहे हो 40 की स्पीड पे चलाना है तो भाई क्रूज कंट्रोल डाल दो नॉर्मल मोड में। इको मोड में क्रूज कंट्रोल डलता ही नहीं है तो कहां से डालोगे, तो नॉर्मल मोड में चलाओ, बढ़िया है गाड़ी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रेंज ऐसे ही बढ़ाई है मैंने, बैटरी का कैलिब्रेशन कर लेना एक बार, चेक कर लेना बिल्कुल, और उससे आपकी बैटरी जरूर इंप्रूव होने वाली है। इसकी जो लाइफ भी इसकी बढ़ जाएगी उससे, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गाड़ी में ओला S1 प्रो नया सस्पेंशन डलवा लिया है। वीडियो देखना है, चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।